हेलो सर, कैसे हैं आप? आदाब सर, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सर, आपकी स्ट्रीम देख देख के ईमान तो डगमगा गया ही है। छोड़िए साहब, हम किसी हम ये काम करना ही नहीं चाहते सर, हम तो भाईचारा चाहते हैं। नहीं सर, मैं भी आपकी बात मानता हूँ, आइडियोलॉजी में मानता हूँ। आइडियोलॉजी थोड़ी खराब है, इंसान अच्छा होता है इंसान बुरा होता है, आइडियोलॉजी उसको डिफाइन करती है। सर, मेरा एक सवाल है कि कुछ इस्लामिक फ़िरकों में इमामत का कॉन्सेप्ट है, जहाँ इमाम होते हैं, वो कुछ कुरान में है उसके बारे में? कुरान मोहम्मद के समय था सर, मोहम्मद के टाइम पे इमामत थी नहीं। तो हज़रत अली के टाइम पे शायद कुछ हुआ था, मतलब कि उनको पहला इमाम बनाया था, उसके बाद इमामत की नस्ल निकली थी, उसका कोई कॉन्सेप्ट? वो शिया शिया में मानते भाई, वो शियाओं में मानते हैं कि अली जो है, अली और फातिमा वहां के जो भी बच्चे रहेंगे इमामत उनसे आएंगी, और वो अभी भी कैरी ऑन करते हैं। और उसमें ये भी कंसेप्ट है कि कुछ जाहिर भी हो गए और कुछ छुपे हुए हैं, और अभी इस वक्त छुपे हुए हैं, इस वक्त मामला ऐसा है। मगर 12वें शिया मानते हैं कि जाहिर हो चुके हैं, और जो खोजे जो इस्माइली शिया होते हैं वो भी मानते हैं कि अभी ये जाहिर हो चुके हैं। तो ये उनको मानते हैं ना, इनके जो खोजों के जो इमाम होते हैं आगा खान, तो आगा खान को जी इमाम मानते हैं। और दूसरे जो फिरके हैं वो अभी तक ये नहीं बोलते हैं कि गायब है। तो इमामों से लेके शियाओं में भी बहुत बड़े झगड़े हैं, पूरे हर फिरके का अलग अलग अपना कंसेप्ट है, पर सब यही बोलते हैं कि अली और फातिमा की औलादों में से। अली ओके सर, मेरा एक ही अली को भी पहला खलीफा मानते हैं ना कुरान भाई? नहीं, चौथे खलीफा नहीं, खलीफा चौथे थे, इमाम, चौथे खलीफा इमाम सुन्नी के मानते। हिसाब से इनको इमाम मानते हैं। लेकिन अच्छा, शियाओं में खलीफा मानते नहीं? नहीं, खलीफे का कंसेप्ट शिया में रहता है, शिया में इमाम का कंसेप्ट रहता हमेशा। और जो हाँ इमाम का जो कंसेप्ट है शिया में, वो बहुत हद तक उन्होंने जोरास्ट्रियन जो मजहब है उधर से लिया है, और क्रिश्चियनिटी जोरास्ट्रियन से ज्यादा वो मुतासिर है। एक मेसियानिक टाइप ऑफ कंसेप्ट है ये, जिसमें ये इमाम का एक ऐसा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बोल के मानते हैं उसको, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं इमाम को। तो ये बिल्कुल विपरीत है सुन्नी इस्लाम का। ओके, थोड़ा ये कंफ्यूजन था आपने दूर कर दिया सर। आप सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका मजा, आपकी स्ट्रीम देख देख के हमें भी समझ आ गया आपका ये सच बोलेंगे, ईमान तो रहा ऊपर नीचे हो रहा है, हिल गया है हमारा ईमान भी इस्लाम के मुताबिक। सर हम तो सिर्फ एक ही हमारा स्लोगन है सर, जो जान के चलिए मान के मत चलिए, हमारी बात को मानिए मत ब्लाइंड फोल्डेड तरीके से, हम जो बोल रहे हैं उसको वेरीफाई करिए। आजाद भाई सही बोला क्या? जी बिल्कुल सही है। आप हमारी बात को ब्लाइंडली मत मानिए, हम भी अगर कहीं गलत बोल रहे हैं तो हमारी बात को भी आप वेरीफाई करिए एक बार, फिर बात को मानिए। आप जानने वाले बने, जानने वाले बनिए, मानने वाले नहीं। जब से आपकी वीडियो देखना शुरू की है, थोड़ा मैं लॉजिकल सोचता हूँ, तो आप ऐसे नहीं था कि जो बोलते हैं मान लेता हूँ, तो इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, देखता हूँ मैं। बढ़िया सर। तो सर सर अभी मुझे तक जो देखा है आपने, उसमें आपको क्या लगा, नफरत फैला रहे हैं? नहीं, आप हम चाह पर रहे हैं कि इल्जाम लग सर रहे हैं भाई, हम पर इल्जाम लग रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, हम तो असल भाईचारा कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं, आप मसला है कि आप जो सच दिखा रहे हैं, और खासकर मैं कोई नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान हो गया, सब हो गया, ये इस्लाम के बारे में सुनते ही नहीं, इनका दिमाग थोड़ा सोच इस तरीके से बनाए कि कोई सवाल नहीं पूछता। नहीं, इधर कॉलर भी आते मेरा हैं, आप देखते होंगे कॉलर्स जो जी जिस जी हिसाब से ब्लेम लगाते हैं, तो कहाँ तक आपको लग रहा है कि सही बोल रहे हैं ये लोग कि हम लोग गलत करें, कुछ इस पे बताइए जरा। आप लॉजिकल पॉइंट पे बात करते हैं, आप सीधा आप थोड़ा लॉजिक से बात करते हैं, कुरान हदीस हो गया और बहुत सारी चीजों को देख के बोलते हैं, जी तो और बाकी हम जो कॉलर्स आते हैं वो अपनी वैसे ही बोल देते हैं जो उनको बचपन से सिखाया गया या कुछ ऐसा जो होता है, जी मतलब जो मदरसे मौलवियों ने जो मतलब उनको सिखाया है, या जो सुनते हैं जो खुतबे होते हैं वो सब बोलते हैं। नहीं, कुछ एक्स मुस्लिम भी इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई हम लोग नफरत फैला रहे हैं, तो भाई एक मुसलमान बोल रहा होता, अकीदे वाला बोल रहा था, वहां तक तो सही था। अब एक एक्स मुस्लिम भी ये बात उठा रहा है कि भाई आजाद ग्राउंड, कोराम, सच वाला, ये अमित, ये सब मिलके नफरत फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों में
बहुत बड़ा दंगा फैलाने वाले हैं ये, तो ये बात आप हम जो है तीसरी वर्ल्ड वॉर कराने वाले जितना मैंने सुना है आज तक, जितना मैंने जितना सच वाला सर को सुना है, वो सच वाला सर सही बात करते हैं। कुरान कुरान टू कुरान बात करते हैं, वो ना हदीस को लाते ना किसी, कुरान से ही बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बात आपने क्लियर की। और बाकी जो एक्स मुस्लिम है जो हमारे ऊपर में इल्जाम लगा रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज है? क्या बोले सर, रिसर्च करें या थोड़ा सोच समझ के रिसर्च करके बोले तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा पॉइंट होगा, लॉजिक होगा इसमें। बाकी आप आते रहिए सर, सुनते रहिए। मैं एक बात बोलूंगा, क्वेश्चंस लेके आइए आप, मेरे हिसाब से एक दो बार आए, पहले भी आए हैं। जी सर, मैं भी 10 मिनट पहले आया था, मेरा वो वाईफाई चला गया था, आपको पता है ना पाकिस्तान में इंटरनेट का आता है, नाम का इंटरनेट है। अगर तो आप पाकिस्तान से होके भी हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत ही बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब जी, अपना अमित भाई, आदाब नमस्कार, सलाम सर, आदाब नमस्ते। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आई एम फाइन थैंक यू। आप पाकिस्तान से हैं, बहुत मुझे खुशी हुई है। यहाँ तो मतलब ऐसा है कि कुछ बोल भी नहीं सकते आप किसी मुसलमान मुस्लिम का बारे में। मैंने दो तीन दिन किस्सा बोला था, भी बता रहा हूँ ना, अभी रिसेंट किस्सा है, हफ्ते पुराना। मेरा क्लब जाता हूँ, वहाँ पे दोस्त ने मेरे को बोला था, मैंने गलती से मौलवी के बारे में बोल दिया था कि मौलवियों से ईमान उठ गया। उसने झूठ ऐसा फैलाया कि मेरे वो बोलता है कि इस्लाम से ईमान उठ गया, उसने ये झूठ बोला। मैंने क्या बोला, उसने क्या बताया है कहानी को? जी जी, पाकिस्तान एक लेबोरेटरी है इस्लाम के तजर्बा करने की, और अभी तक इन्होंने बड़े तजर्बे किए, मरजई काफर निकाले, तो हर तजर्बे के बाद किसी ग्रोह को काफर करार दे देते हैं और फिर उनकी मारामारी शुरू हो जाती है। मकीन माने में नबिया जी बोले, आप क्या नमाज पढ़नी पड़ती है आपको जुमे की, और दिल से जाते हैं जुमे की नमाज पढ़ने या छोड़ देते हैं? मतलब अगर जाते भी तो वही दिखाने के लिए होते ना, वो दिखावा कर रहे होते ज्यादातर, तो इंटेंशनली तो नहीं होता है, मतलब जब से सच पता चला है दिल से तो नहीं होता है, मतलब ऐसे दिखावा के इस्लाम में मान रहे हैं और बस बोलते इस्लाम के तरीके से, दिल से कुछ नहीं बोलते मतलब। अच्छा, अगर एक सवाल पूछूं आप बता सकते हैं, कराची से हैं आप? जी, आपके एक्सेंट से लग रहा है मुझे, आई लव कराची। कोशिश तो आपके नाम कराची से है कि आप इंडिया से माइग्रेट हुए हैं? वो मतलब माइग्रेशन ही कह सकते हैं, जो तो मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स है वो इंडिया से आए आफ्टर वॉर। चले आप आते हैं, बड़ी खुशी है। और कोई सवाल है तो पूछे अमीर जी, मजीद बात करनी है लव इज इस्लाम से, लव इज इस्लाम इज लव से? सर अभी तो नहीं है कोई, इंशाल्लाह सोच समझ के आएंगे, सवाल तो पूछेंगे आपसे अगली स्ट्रीम में। चले आपने आते रहना है आजाद ग्राउंड पे, वी विल वेट फॉर यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर। ओके, क्या लगेगा अपना बात करने का? शुक्रिया भैया।